हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बिल्कुल अलग रेसिपी, हनुमान जी का मनपसंद भोग रोट प्रसाद बनाने की वीडियो लेकर आई हूँ। जनरली ये प्रसाद हमारे यहाँ सरस्वती पूजा या जब रामायण का अखंड पाठ होता है तब बनाया जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो आपसे शेयर की जाए। तो इसके लिए आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, चीनी और शुद्ध देसी घी। तो यहाँ हमने आटा ले लिया है, जितना प्रसाद बनाना है आटा आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब हमें चाहिए शुद्ध देसी घी। रोट को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें घी से मोयन दिया जाता है, तो अब हमें आटे में घी डालकर इसमें अच्छे से मोयन देंगे। घी को थोड़ा गर्म करके उसे मेल्ट कर लेंगे और फिर उसी घी को हम आटे में डालकर अच्छे से मोयन दे देंगे। मोयन के लिए आटे और घी को दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए इतने अच्छे से मिलाएं कि आटा हाथ में यानी कि मुट्ठी में बंधने लगे और बिखरे नहीं। देखिए अब ये आटा अच्छे से तैयार है। अब आटे को मीठा करने के लिए हमें चीनी का रस चाहिए, तो ऐसा कोई भी बाउल ले लें। अब इसमें 2 से 3 कप चीनी डालेंगे। जैसे कि आपका आटा 500 ग्राम है तो 300 ग्राम चीनी और मोयन के लिए 100 ग्राम घी चाहिए। और फिर पानी डालकर पानी और चीनी को अच्छे से मिलाकर इसका रस तैयार कर लेंगे। अब आटा भी तैयार है और चीनी का रस भी, तो बस आटे में ये चीनी का रस डालकर धीरे धीरे आटा मिला लेंगे। आटे को हल्का टाइट ही बनाएंगे ताकि रोट अच्छा और क्रिस्पी बने। आटे को अच्छे से मिलाते हुए डो तैयार कर लेंगे। इसे ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए अब आटा तैयार है। अब इसे किसी भी प्लेट या थाली से ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब आटा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ पर ही शेप देकर तैयार कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मेरी मम्मी इसे हाथ पर ही तैयार कर रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी रेसिपी के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। या फिर इसे हम चकला और बेलन की मदद से छोटे छोटे कचौड़ी की तरह बेल कर तैयार कर लेंगे। इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उससे रोट थोड़ा जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। रोट को हम ऐसे ही राउंड शेप में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे कोई डिजाइन भी दे सकते हैं। अब ऐसे ही सारे रोट बेलकर हम रख लेंगे। रोट हनुमान जी का मनपसंद भोग है, तो आप मंगलवार और शनिवार को भी बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि इसे थोड़ा मोटा ही बेले ताकि अच्छे से फूल सके। यहाँ हमने गैस पर पैन हीट होने को रख दिया है और अब इसमें डालेंगे हम शुद्ध देसी घी। ये हमारे घर का प्योर घी है, मेरी मम्मी इसे घर पर ही तैयार कर लेती है। आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद घी में ही तैयार किया जाता है। अब घी को पहले अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। जब ये अच्छे से मेल्ट होकर गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके रोट डालेंगे। ध्यान रखें कि रोट थोड़े मोटे होते हैं, तो इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं ताकि ये कच्चा ना रहे। रोट को पहले एक साइड से अच्छे से पकाएंगे। इसे इस तरह से हल्का प्रेस करते हुए पकने देंगे और फिर इसे पलटकर दूसरे साइड से भी अच्छे से पकने देंगे। आप चाहें तो इसे बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भरकर कुछ दिन तक रख सकते हैं और बिस्किट की जगह इसे यूज कर सकते हैं। देखिए अब रोट थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो रोट को हम पलट लेंगे
और फिर इसे दोनों साइड से अच्छे से पकने देंगे। हमने यहाँ चीनी का रोट बनाया है, आप चाहें तो गुड़ का भी बना सकते हैं। देखिए ये अच्छे से पककर फूल चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे और बाकी रोट भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ हमने थोड़े रोट निकाल लिए हैं, देखिए ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहे हैं। मेरे यहाँ इसे रोट या खस्ता बोलते हैं और कई लोग इसे मीठी मटरी भी बोलते हैं, बट आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चूंकि हमें प्रसाद बनाना है तो इसे गर्म ही इस तरह से तोड़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाने पर ये टाइट हो जाता है और आराम से रोट नहीं बन पाता। देखिए ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट और फूला हुआ है। अब इसको और छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे ताकि बाद में रोट को अच्छे से बना सके। बाद में इसे इस तरह से दोनों हाथों से हल्का मैश करते हुए रोट प्रसाद तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा रोट प्रसाद बनकर तैयार है। अब हमें थोड़े मीठे पुए तैयार करने हैं, जिसके लिए हमने आटा पहले से ही घोल कर रख दिया था। इसके लिए आटे का बैटर तैयार करना होता है, यानी कि चीनी के रस से आटे का घोल तैयार करना होता है। अब इसे इस तरह से टेबल स्पून की मदद से पैन में डालेंगे और इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। इसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छे से एक साइड से पका लेंगे। तब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे रवादार बनाने के लिए हमने आटे में थोड़ा सा सूजी मिला दिया था। आप इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। पुए को पैन में डालते समय बैटर को बिल्कुल ध्यान से सेंटर में राउंड शेप में करते हुए डालेंगे। इसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं करें और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। कई बार पुए में जो शुगर रहता है उसकी वजह से ये पैन में थोड़ा चिपकता है, तो आप इसे सावधानी से स्पून की हेल्प से पलट ले ताकि ये टूटे नहीं। अब ऐसे ही सारे मालपुए हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। गर्मा गर्म खाने पर ये पुए और ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और देखिए ये मालपुए कितने क्रिस्पी और रवेदार बने हैं। अगर पुए का बैटर बच जाता है तो आप इसे ढककर फ्रिज में रख सकते हैं और फिर जब भी खाने का मन हो इसे निकाल कर तल सकते हैं। गर्मा गर्म ये पुए और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ हमारा सारा प्रसाद बनकर तैयार है, बस हनुमान जी को भोग लगाना बाकी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये डिश आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।